वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। सो ये हमारा पार्ट टू है वीडियो का, जिसमें हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे ऑफ एनाटॉमी ऑफ ब्रेन इन वर्टिब्रेट्स, जिसमें जो फर्स्ट वीडियो था हमने उसमें पढ़ा था साइक्लोस्टोम्स में लैम्प्रे के बारे में। आज का जो वीडियो है दैट इज अबाउट कार्टिलेजिनियस फिशेस, जिसमें हम स्कॉलिडन फिश के बारे में, स्कॉलिडन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको डॉग फिश भी आप कहते हैं। तो ब्रेन पे जाने से पहले हम थोड़ा सा कार्टिलेजिनियस फिशेस के बारे में जान लेते हैं। सो कार्टिलेजिनस फिशेस क्लास कॉन्ड्रोकाइथस आर द ओल्डेस्ट लीनियज ऑफ जॉड वर्टिब्रेट्स एंड ऑक्यूपाई अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ इकोलॉजिकल नीशेस। क्या है कि जो कार्टिलेजियस फिशेस हैं वो ओल्डेस्ट लीनियज है, किसकी? जॉड वर्टिब्रेट्स की, क्योंकि इनसे पहले जो आता है, इनसे पहले आते हैं साइक्लोस्टोम्स जो कि जॉलेस वर्टिब्रेट्स हैं। तो जो जॉड वर्टिब्रेट्स हैं उनमें सबसे पहले क्या आते हैं? कार्टिलेजियस फिशेस ही आती है। और ये बहुत, इनका डाइवर्सिटी देखा गया है कि एक वाइड वेराइटी के अडेप्टेशन नीशेस में क्या रहते हैं। ओके, देयर इंटरनल स्केलेटन इज मेड इंटायरली ऑफ कार्टिलेज रादर देन ऑसिफाइड बोन्स। इनका जो स्केलेटन है, इंटरनल स्केलेटन्स है, वो बोन्स की बजाय कार्टिलेज का बना हुआ है। ऑसिफाइड बोन लिखा है ना, ऑसिफिकेशन प्रोसेस होता है। ऑसिफिकेशन एक प्रोसेस होती है। इसमें क्या होगा, जो टिश्यूज होते हैं वो बोन्स में चेंज हो जाते हैं। टिश्यू से क्या बनेंगी? बोन्स। तो बोन्स इनमें प्रेजेंट नहीं होती। इनमें जो सिस्टम है आपका इंटरनल इंटरनल स्केलेटन, दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेजियस फिशेस आर द ओल्डेस्ट लिविंग एनिमल ग्रुप हैविंग एन एडेप्टिव इम्यून सिस्टम बेस्ड ऑन द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होती है? आपके एंटीबॉडीज होते हैं। तो इनपे बेस्ड ये सबसे पहले ओल्डेस्ट लिविंग एनिमल्स हैं जिनमें ये देखे गए हैं। कार्टिलेजिनस फिश हैव गिल्स दैट ओपन टू द ओशियन थ्रू स्लिट्स। सपोज ये समझिए, ये जो फिश है इनमें गिल्स होंगे, राइट? इनके जो गिल्स है ना, वो स्लिट्स के थ्रू डायरेक्ट ओपन में कांटेक्ट में होते हैं ओशियन के। ऐसे आप जो इन जनरल मछलियों में ऑपरकुलियम सा देखते हैं ना, बोनी कवरिंग देखते हैं गिल्स के ऊपर ढकी हुई, वो यहाँ पे नहीं होगा। रादर देन बोनी कवरिंग दैट इज प्रेजेंट इन द बोनी फिशेज। जो बोनी फिशेज में कवरिंग होती है इन जो स्लिट्स इनके ऊपर, इस तरीके से आपको बाहर से देखने नहीं मिलेगा, ऐसा इनमें नहीं होता। शार्क इनमें आती है। सो डिफरेंट शार्क स्पीशीज में हैव डिफरेंट नंबर ऑफ गिल स्लिट्स। अगर शार्क की बात करें तो शार्क में नंबर ऑफ गिल स्लिट्स क्या करता है? वेरी करता है। अभी हमने पढ़ना है स्कॉलोडॉन के बारे में, दैट इज जो डॉग फिश होती है। और उसमें भी अगर मैं आपको बता दूं, हमने ब्रेन पे पढ़ना है इसके मेनली। तो इसके ब्रेन पे जाने से पहले हमने कुछ चीजें आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, एक बार इसको थॉरली देख लेते हैं। इंसेफेलॉन क्या होता है? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है उस दौरान जो बेबी का ब्रेन बन रहा है उसे आप इंसेफेलॉन कहते हैं, या फिर एम्ब्रियोनिक ब्रेन, जो कि तीन पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड रोमेंसेफेलॉन। यही प्रोजेंसेफेलॉन के लिए आप वर्ड यूज करते हैं कोर ब्रेन। ओके, ये मेसेंसेफेलॉन के लिए मिड ब्रेन आ जाता है और रोमेंसेफेलॉन के लिए हाइंड ब्रेन आ जाता है। इस प्रोजेंसेफेलॉन के फर्दर इसके अंदर आता है टेलेंसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। तो जो आपको ये जो टेलेंसेफेलॉन में सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखता है या सेरिब्रम होता है, वो टेलेंसेफेलॉन में दिखेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब्स भी मिल जाएंगे। डायनसेफेलॉन में हाइपोथैलेमस थैलेमस वाला रीजन है, तो मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड भी यहीं पे आएगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस से अटैच होती है पिट्यूटरी। मेसेंसेफेलॉन में ऑप्टिक लोब्स वाला पार्ट आता है और ये ब्रेन स्टेम का पार्ट बनाता है। इसके अलावा रोमेंसेफेलॉन आगे फर्दर इसमें आपको मेटासेफेलॉन और माइलिनसेफेलॉन मिलेगा। मेटासेफेलॉन वाले रीजन में सेरिबेलम और पॉन्स वाला रीजन होता है, जबकि माइलिनसेफेलॉन में मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा होता है। तो ये तो इन जनरल एक ब्रेन के बारे में था। इसलिए जो आपको सेम मिलेगा, आप जब पढ़ेंगे स्टडी करेंगे स्कॉलिडन या डॉग फिश के बारे में, तो आपको ब्रेन में यही पार्ट्स देखने मिलेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ओके, क्योंकि इवोल्यूशन के दौरान चीजें चेंजेस हुई हैं। तो यहाँ इस स्लाइड पे जाने से पहले मैं आपको ये स्लाइड दिखा दूँ। देखिए ये क्या है आपका डॉग फिश स्कॉलिडन का ब्रेन। ओके, तो ये देखिए, ये है इसका प्रोजेंसेफ्रॉन। प्रोजेंसेफ्रॉन कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? ये वाला पोर्शन, कितना पोर्शन, जिसको हमने फर्दर डिवाइड किया टेलेंसेफ्रॉन और डायनसेफ्रॉन में। टेलेंसेफ्रॉन वाले रीजन में ऑल्फैक्टरी लोब और सेरिब्रल हेमिस्फीयर आ गया, और डायनसेफ्रॉन वाले रीजन में डायनसेफ्रॉन आ गया। ओके, उसमें कुछ फर्दर जो आपके पीनियल स्टॉक वगैरह यहाँ पे दिखेंगे आपको। इसके बाद आता है मेसेंसेफ्रॉन, जो मिड ब्रेन वाला पोर्शन है। इसमें आप सिर्फ देख पा रहे हैं ऑप्टिक लोब,
ये देखिए ना, इतना पोर्शन क्या बना रहा है, मिड वेन बना रहा है। इसके बाद का ये जो पूरा नीचे का पोर्शन है, दैट इज रोम्बिन सेफ्लॉन, जिसे आप हाइंड ब्रेन कहते हैं। इसमें मैटिन सेफ्लॉन और माइलिन सेफ्लॉन है। मैटिन सेफ्लॉन में क्या आएगा, सेरिबेलम वाला पोर्शन, और माइलिन सेफ्लॉन में मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है ब्रेन का। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, क्या कह रहा है। क्रॉसन सिप्लॉन जो क्या है आपका, कोर ब्रेन है। कोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, इसमें तीन चीजें, ऑल्फेक्ट्री लोब है, सेरिब्रम है और डायन सिप्लॉन है, जिसमें हमने पढ़ा था ये दो वाला रीजन किसके अंदर आता है, टेलन सिप्लॉन के अंदर आ जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम ऑल्फैक्ट्री लोब के बारे में पढ़ेंगे। इनका साइज लार्ज होता है, और साइज बड़ा है इससे हमें ये पता चलता है कि ये ज्यादा रिलायंस रखते हैं अपने किस पे, स्मेल्स पे। इवन शार्क के बारे में तो ये इंटरेस्टिंग फीचर है कि ये क्या करती है ना, 1 किलोमीटर दूर से भी अगर कोई ब्लड का स्मेल है ना, तो उन्हें सूंघ लेती है, बिकॉज दे हैव लार्ज साइज ऑफ ऑप्टिक ऑल्फैक्ट्री लोब। सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए था ऑल्फैक्ट्री। ओके, दिस शुड बी ऑल्फैक्ट्री। ऑल्फैक्ट्री लोब कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होगा, ऑल्फैक्ट्री लोब में ऑल्फैक्ट्री बल्ब होगा और ऑल्फैक्ट्री स्टॉक होती है। अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये वाला डायग्राम देखिए। ये आपको दो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर ऑल्फैक्ट्री लोब्स, और ये अटैच्ड है ऑल्फैक्ट्री स्टॉक से। तो ये क्या है आपके, ऑल्फैक्ट्री लोब, जो कि ऑल्फैक्ट्री स्टॉक से क्या है, कनेक्टेड है। ये कौन से पोर्शन में, फोर ब्रेन में देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे फोर ब्रेन में। इसके बाद है आपका सेरिब्रम, सेरिब्रम इनमें बड़ा है, होता है साइज में, और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, डिवाइड अनडिवाइडेड है। देखिए, इससे पहले अगर आपने पढ़ा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सेरिब्रम देख रहे हैं, डिवाइडेड है, ऐसा नहीं होता पर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर जैसे कुछ नहीं होते, डायरेक्ट सेरिब्रम होता है, डिवाइडेड सेरिब्रल हेमिस्फीयर में वो डिवाइड नहीं होगा। सेरिब्रम इज कनेक्टेड टू द ऑल्फैक्ट्री बल्ब थ्रू ऑल्फैक्ट्री स्टॉक। तो क्या था, ये थे ऑल्फैक्ट्री बल्ब थे ये दो, और मान लीजिए दिस इज सेरिब्रम, तो इन दोनों को बीच में कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट, ऑल्फैक्ट्री, ये हो गया सेरिब्रम, दिस इज ऑल्फैक्ट्री लोब, और इन दोनों को जो अटैच बीच में जोड़े हुए है, दैट इज ऑल्फैक्ट्री स्टॉक। ओके, थर्ड पार्ट है डायन सिफॉन, ये शॉर्ट होता है और ऑलमोस्ट डॉर्सल साइड पे कवर्ड है सेरिब्रम में। इसका मतलब अगर आप डॉर्सल साइड से देखेंगे, पता है ना डॉर्सल और वेंट्रल साइड, डॉर्सल साइड हो गई या तो बैक वाला पोर्शन कह सकते हो आप, या फिर अपर साइड वाला पोर्शन। अब जैसे अगर हमारी, हम ह्यूमन बींग से बात करें, तो डॉर्सल जहाँ पे हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, बैक ये वाला पोर्शन, ठीक है। पीनियल स्टॉक अराइज फ्रॉम पोस्टीरियो डॉर्सल एंड ऑफ डायनसेफलॉन, इसी डायनसेफलॉन के पोस्टीरियर डॉर्सल एंड से, इसका मतलब है बैक पोर्शन से, डायनसेफलॉन के बैक साइड से पीनियल स्टॉक अराइज होती है, जिसमें पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी आती है। इस तरीके से स्टॉक होगी, जिसके एंड में एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होगा, दिस इज व्हाट, पीनियल बॉडी। चलिए अब डायग्राम में यहां देखते हैं, इतना पोर्शन हमने पहले ही देख लिया था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। चलो ये देखिए, सबसे पहला फोर ब्रेन, इतना पोर्शन हमने डील करना है। इसमें आ गया ऑल्फैक्ट्री लोब, ये जो आप देख पा रहे हैं, और ये जो आपको पूरा एक देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर, ये पूरा, ये दिस इज सेरिब्रम, ये क्या है, सेरिब्रम है, और सेरिब्रम और ऑल्फैक्ट्री लोब बीच में ऑल्फैक्ट्री स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, जिसे ऑल्फैक्ट्री पेड्यूनकल बोल भी बोला गया है। अब अगर आप देख पा रहे हैं, ये डॉर्सल व्यू है ना, ये जो ए वाला व्यू है डॉर्सल व्यू है, और आपको याद है अभी हमने पढ़ा था कि डॉर्सल साइड से डायन सिफ्लॉन पूरा कवर्ड रहता है, किससे, सेरिब्रम से। इसीलिए आपको डॉर्सल साइड से आपको डायन सिफ्लॉन दिखाया नहीं गया, डायनसेफलॉन आपको कौन सी साइड से दिखाया गया, ये वाला पोर्शन देखिए, वेंट्रल व्यू में दिखाया गया, क्योंकि डॉर्सल साइड से इसे सेरिब्रम पूरा क्या करे रखता है, कवर करे रखता है। ओके, इसके बाद चलते हैं आपका मीजन सेफलॉन में, जिसमें क्या आ जाते हैं आपका मिड ब्रेन, मींस मीजन सेफलॉन मतलब मिड ब्रेन, और उसमें मेन चीज आती है आपके ऑप्टिक लोब, जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लूरा सेरिब्राई इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मिड ब्रेन, इट कनेक्ट फोर ब्रेन विद हाइंड ब्रेन। प्लूरा सेरिब्राई क्या है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मिड ब्रेन का,
एक्चुअल में ये नर्व समथिंग लाइक फाइबर्स होते हैं, ये ऐसे फाइबर्स कंटेन करते हैं जिससे नर्व इम्पल्स जाते हैं, और उसी की मदद से ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन में क्या करता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेता है. तो सपोज दिस इज फोर ब्रेन एंड दिस इज हाइंड ब्रेन, इन दोनों के बीच वाले रीजन में क्रूरा सेरिब्राई क्या करेगा, इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा. लिखा है ना, इट रिले सेंसरी एंड मोटर इम्पल्स बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. सेंसरी मोट सेंसरी इम्पल्स क्या होती है, जो सेंस ऑर्गन्स जिन्हें सेंस करते हैं और ब्रेन को भेजते हैं, और ब्रेन वापस जिसे भेजता है दैट इज मोटर इम्पल्स. तो यहाँ पे क्या होता है, सेंसरी इम्पल्स जाएंगी, मोटर इम्पल्स आएंगी. इट कंटेन कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स. ये क्या करता है, आपका कौन सा पोर्शन, आपका मेसेंसेफलॉन में कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स है. ये क्या करेगा, कंट्रोल मोटर कंट्रोल ऑफ फेस एंड नेक, फेस वाले पोर्शन का और जो नेक वाले पोर्शन का, इन दोनों पोर्शन का जो मोटर कंट्रोल होता है वो कौन कंट्रोल करता है, आपका दिस कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स जो इस रीजन में पाए जाते हैं. तो ये है, अगर आपको मैं डायग्राम दिखाऊं, आप ऑप्टिक लोब देख पा रहे हैं, ठीक है, दिस इज ऑप्टिक लोब. नर्व, यहाँ से नर्व निकली है, ऑप्टिक नर्व जो कि साइड में कहाँ चले जाएंगी, आपकी ऑप्टिक जो आईज है उधर को चले जाएंगे. उसके बाद है थर्ड, रोम्बिन सेफ्लॉन. रोम्बिन सेफ्लॉन के लिए हाइंड ब्रेन यूज होता है टर्म. इसमें हमने दो चीजें देखी थी, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लेंगाटा, और पॉन्स रीजन भी दिखाएगा, अभी नहीं देखेंगे. देखिए, हैव सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लेंगाटा, दो रीजन है सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लेंगाटा. सेरिबेलम इज हाईली डेवलप पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन का सबसे ज्यादा डेवलप पार्ट है क्या, सेरिबेलम बेलम. और अगर आपको साइक्लोस्टोम पढ़ा होगा तो वहां पे आप देखिए, यहाँ पे इतना वेल डेवलप नहीं होता, खाली प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, जबकि यहाँ पे मेड्यूला ऑब्लेंगाटा बहुत अच्छे से क्या होता है, वेल डेवलप होता है. लेकिन शार्क्स में ऐसा नहीं होता, स्कोरोडॉन में या डॉगफिश में ऐसा नहीं होता है, इनमें जो सेरिबेलम है उतना डेवलप नहीं है. इट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड मोटर फंक्शन. सेरिबेलम का काम क्या रहता है आपका, सॉरी, यहाँ पे वेल डेवलप्ड है, वहां नहीं था. किसके केस में नहीं था, आपका लैम्प्रे के केस में नहीं था. तो ये क्या करता है, मोटर और मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करता है. और इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा है और ये इतना डेवलप इसलिए है क्योंकि ये एक्टिवली स्विमिंग में पार्टिसिपेट करती है, एक्टिव स्विमिंग शो करती है. कौन, जो आपके आपके स्कॉलोडन है या डॉग फिश है. सो हैव टू ट्रांसवर्स पर रो विच मेक्स सेरिब्रम डिवाइडेड इंटू थ्री लोब. सपोज दिस इज सेरिब्रम, तो यहाँ पे दो फरो आ जाते हैं, एक फरो ये मान लीजिए, दूसरा ये. अब जब फरो आ जाते हैं, ये जो फरो है, इन फरोज की वजह से क्या हो जाता है, तीन लोग बन जाते हैं, एक लोग, दो लोग एंड तीन. कितने लोग सुन जाएंगे, थ्री लोग. तो यही बोला है कि क्या होते हैं, दो ट्रांसवर्स फरो हैं जिसकी वजह से सेरिबेलम थ्री लोब्स में डिवाइड हो जाता है. और लास्ट में आपके मेड्यूला ऑब्लेंगाटा जो कि ट्रायंगुलर शेप में है. इस मेड्यूला ऑब्लेंगाटा का फ्लोर और साइड जो वॉल देखी गई है वो थिक देखी गई है, जबकि रूफ में इनका थिन देखा गया है. इसके अलावा जो मेड्यूला ऑब्लेंगाटा है वो ब्रैंकियल रेस्पायरेशन क्या करता है, कंट्रोल करता है, और कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी भी ये कंट्रोल करेगा. इट कनेक्ट ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करे रखता है. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज यहाँ पे सेरिबेलम दिखाया गया, यस, ये पोर्शन दिखाया है आपको सेरिबेलम, और ये वाला पोर्शन किसका है, आपका मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा का. अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं, दिस इज मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा. यही से नीचे से क्या जुड़ जाती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड. तो मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा क्या करता है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ता है. अच्छा, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो मैंने उसमें आपको एक पॉइंट बताया था, वेंट्रिकल्स. मैंने आपको बताया था कि ब्रेन के अंदर कैविटीज होती है, एम्प्टी स्पेस होता है, जिस सेल्स यस जो सेल्स है, ये जो आपका वेंट्रिकल्स है वो तीनों, प्रोसेंसेफ्लॉन, प्रोसेंसेफ्लॉन में और मेसेंसेफ्लॉन में, रोम्बिनसेफ्लॉन में, तीनों ही उसमें कैविटी पाई जाती है. ऐसी सेल से लाइंड होती है जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सिक्रेट करती है और जो शॉक अब्जॉर्बर का ब्रेन प्रोटेक्शन में वर्क करता है. अब इसके अलावा एक पॉइंट ये पढ़ा था कि ये कैविटीज, मतलब अगर प्रोसेंसेफ्लॉन की कैविटी है
तो वो मेसेनसेफलॉन के कैविटी के साथ कनेक्टेड रहती है, और मेसेनसेफलॉन वाली किसके साथ रहेगी, रोमबेनसेफलॉन के साथ। तो अगर आप ये थर्ड वाला डायग्राम देखेंगे, सी वाला पार्ट, इसमें जो ब्लैक पोर्शन दिखाया गया ना, दिस इज द वेंट्रिकल, ये अंदर से आपको कैविटी दिखाई गई है। तो अगर आप इस डायग्राम को देख पाएंगे, देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से पूरे ब्रेन की जो कैविटीज है, या जिन्हें वेंट्रिकल्स का नाम दिया गया है, वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। इनके अंदर क्या सेक्रेट होता है, इनके अंदर सेक्रेट होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो इनको शॉक अब्सॉर्बिंग प्रॉपर्टी देता है, जिससे ब्रेन क्या रहता है, प्रोटेक्टेड जोन में रहता है। अब ये टर्म देखिए, राइनोसील है। राइनोसील क्या होता है, जो ऑप्टिक लोब, ऑल्फेक्ट्री लोब है ना, ये ऑल्फेक्ट्री लोब है, इसकी जो आपका क्या होगा, इस ऑल्फेक्ट्री लोब का जो वेंट्रिकल है उसको क्या कहते हैं, राइनोसील कहते हैं। वही आपका सेरिबेलम, सॉरी सेरिब्रम वाले पोर्शन का जो वेंट्रिकल्स है उन्हें पैरासील कहा जाता है, और जो डायनसेफ्रॉन वाले रीजन के जो वेंट्रिकल है या कैविटी है उसे डायोसील कहा जाता है। अगर आप देख रहे हैं तो ये सब कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, राइट, इसी तरीके से पूरी जो ब्रेन है उसकी जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। यहीं पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो ये कि फोरामेन ऑफ मोनरो, आप देख पा रहे हैं जो डायोसील है, और ये जो ये वाला पोर्शन, ये जो दो वेंट्रिकल्स है ना आपके सेरिब्रल हेमिस्फेयर के, हेमिस्फेयर तो होता नहीं है इसमें सेरिब्रम के, तो यहाँ पे ये फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। इसीलिए ये एक आईटीआर होता है। आईटीआर अगर आप ये देखेंगे, ये कौन सा वाला पोर्शन शुरू हो गया है, देखिए इसको कंपेयर करिए, ये जो पोर्शन यहाँ पे जो आपकी फोर मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच की जो कैविटी है, कैविटीज कनेक्ट होंगे वहां पे, ये आईटीआर करके ये वाला रीजन पाया जाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा इसको डिटेल में थोड़ा अच्छे से देखिएगा, वीडियो को रिकॉल आप रिवाइज करिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। एंड आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।